ये है बॉलीवुड का सबसे पागल डायरेक्टर के आसिफ, जिन्होंने सिर्फ बॉलीवुड में दो ही फिल्में बनाई। के आसिफ को बॉलीवुड का सबसे जिद्दी और पागल डायरेक्टर यूं ही नहीं कहा जाता था। के आसिफ ने तानसिंह से संगीत बजवाया और पृथ्वीराज कपूर को सोने के जूते पहनवाए। अपनी फिल्म के लिए तकरीबन 72 गाने लिखवाए और एक फिल्म के लिए 12 साल तक इंतजार किया, लेकिन दो फिल्में बना के ही के आसिफ ने इतिहास रच के दिखाया। के आसिफ ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उन्होंने कहीं से फिल्म बनाने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन के आसिफ अपने समय के बड़े बड़े लोगों को अपने जेब में लिए फिरते थे। उत्तर प्रदेश के इटावा से निकलकर के आसिफ अपने नाम का डंका बजाने के लिए मुंबई आए। के आसिफ को खुद पे इतना भरोसा था कि इनके कॉन्फिडेंस को देख के सामने वाला घबरा जाता। 1945 में इन्होंने फिल्म बनाई फूल, और फिर ये लग गए भारत की सबसे बड़ी फिल्म मुगल आजम बनाने में। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 12 साल लग गए थे। इस फिल्म को बनाने में 1.5 करोड़ की लागत लगी। बताया जाता है उस जमाने में फिल्में 2 से 3 लाख में बन जाया करती थी।